हाय गाइस, मेरा नाम है आजाद और आप लोगों का स्वागत है इस पबजी के महफिल में। मतलब सीजन 11 का रॉयल पास ओपन हो चुका है और धमाकेदार एंट्री एंट्री आप लोगों ने देख ली। एंट्री के साथ शुरू होता है रॉयल पास सीजन 11, मतलब धमाकेदार है। सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सोया नहीं था रात भर। अभी मैं उठ के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि 7:30 बजे आ जाएगा ये अपडेट। और कसम से बाय गॉड बोल रहा हूँ, मजा आ गया। सीरियसली बोल रहा हूँ, मजा आ गया। और चलो आगे बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें ओपन होगी, किस तरीके से क्या चीजें मिलेगी, कहाँ पे कौन सी चीजें मिलेगी, गन की स्किन क्या क्या चीजें हैं। आगे हम पूरी वीडियो में बात करेंगे उन सब चीजों के बारे में, कितना अच्छा अपडेट है और कितना गंदा अपडेट है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो सीरियसली गाइज, यदि वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई। और थोड़ा सपोर्ट कर दो, बस थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो मेरा करियर बन सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सपोर्ट कर दो, मैं बहुत अच्छे अच्छे गेम प्ले डालने वाला हूँ सीजन 11 में। और कुछ दिन रुक जाओ, लाइव आके भी खेलूंगा मैं। थोड़ा से अपने सारी चीजें मैं जमा कर रहा हूँ, फोन वोन पीसी वीसी, तो वेट करना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइज। और चलो खोलते हैं रॉयल पास सीजन 11। तो गाइज, जैसे ही आज आप पबजी खोलोगे, मतलब सीजन 11 का लोगो आपको देखने को मिलेगा और ये बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है मुझे देखने में। और 1 नंबर पे कुछ खास नहीं है, लेकिन शानदार लग रहा है मुझे देखने पर। बाकी 2 पे चलते हैं तो 2 पे दिखा रहा है गोल्ड 1 रिवॉर्ड, मतलब आप सीजन 10 में जहां तक पहुंच पाए होगे टायर में, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। मुझे 600 सिल्वर फ्रेगमेंट मिला है क्योंकि मैं सीजन 10 नहीं खेला था। बाकी वही दिखा रहा है 3रे पे भी कि सीजन 10 में मैं स्क्वाड में कितना था, तो गोल्ड 1 में था। और 4थे में भी जाऊंगा तो वही दिखाएगा कि हम डुओ में कितने थे। बाकी 5वें पे जाऊंगा तो यहाँ पे आपको कमाल की चीज़ें देखने को मिलेगी। 5वें पे गया हूँ तो देख लो, यहाँ पे सीज़न 11 का आउटफिट है जो बहुत ही तगड़ा लग रहा है। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा आउटफिट सीज़न 11 का। और कुछ खास नहीं है, बट सिंपल टाइप का बहुत अच्छा सा एक आउटफिट है। और सीज़न 11 का मास्क है, एक नॉर्मल सा है सीज़न 11 का। MK14 का मतलब गन स्किन, पहला गन स्किन है MK14 का इस पबजी में। और एस का पैरासूट है, यदि आप एस में पहुंच जाते हैं तो सीज़न 11 का आपको पैरासूट भी मिलता है। अब चलते हैं हम 6 की तरफ से। 6 में कमाल का, मतलब देखने से ही कमाल का लग रहा है, सीरियसली बोल रहा हूँ। क्या आउटफिट है, मतलब क्रिस लग रहा हूँ एकदम। आगे से यदि जो पहनेगा ये 100 रॉयल पास पे मिलेगा, और जो भी पहनेगा ना, मतलब क्रिस लगेगा। और कसम से बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। और जैसे ही रॉयल पास 11 पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस तरीके का लोगो देखने को मिलता है। आप पहले पूरा लोगो देख लो, उसके बाद बात करेंगे हम। तो गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका लोगो, जो रॉयल पास खुला, जो एकदम मतलब रजनीकांत बन के एकदम बाइक घुमा के, बाय गॉड कसम से बहुत तगड़ा लगा। और चलते हैं अब रॉयल पास के नंबर पे, मतलब 1 से 100 तक देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिली है हमें इस रॉयल पास सीजन 11 में। तो पहले ही आरपी पे आपको M762 का गन स्किन मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा गन स्किन है। मुझे सीरियसली बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बहुत अच्छा गन स्किन लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये आप बता सकते हो मुझे। और 10 आरपी पे आपको मिलता है एक इमोट, मतलब इमोट क्या बोलूँ, वो MVP जो शोकेस होता है ना, वो जिस तरीके का बहुत ही तगड़ा एकदम सेल्फी लेते हुए एक बंदा आता है और सेल्फी लेता है खुद का, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक MVP जो होता है, TDM खेलते हो आप तो उस टाइम पे MVP होता है। यदि आप गेम खेलते हो तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा गेम में आगे रहते हो, अपने टीम में सबसे ज़्यादा तो MVP होते हैं, तो आपको इस तरीके का कुछ इमोट मिलता है देखने को। और यदि आप जाते हो 15 आरपी पे, तो वहाँ पे एक बग्गी मिलती है आपको, बग्गी का स्किन आप देख लो। मुझे टायर इसका बहुत अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली टायर बहुत अच्छा है, सुंदर है। बाकी बग्गी सेम ही होती है और उसमें कुछ खास होता नहीं है। बाकी इसका टायर मुझे अच्छा लग रहा है, पसंद आया मुझे। और आप आगे जाओगे तो आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे, जैसे पबजी मोबाइल वाले रिलेटेड बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको, तो आप अपने फ्रेम में लगा सकते हो। उससे आगे बढ़ेंगे तो हेलमेट मिल जाता है हमें 20 आरपी पे, और ये तगड़ा हेलमेट लग रहा है मुझे इस तरीके से, जिस तरीके से वो क्लिप वगैरह लगा हुआ है हेलमेट में। आप देखो, मैं चारों तरफ से घुमा के आपको दिखा देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है मुझे ये 20 आरपी पे जो हेलमेट मिल रहा है इस बार, लेवल 3 वाला। लेवल 2 लेवल 1 एक्चुअली सेम ही रहेगा, बट ये लेवल 3 वाला है, तो आप देख लो एकदम तगड़ा लग रहा है सीरियसली में। और
इमोट इमोट देख रहे हो, ये जो 20 रुपये फ्री वाला इमोट जो मिला है, ये मैं फिर से करके दिखाता हूँ, ये देखो, मतलब डिमचिक 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 डिंग 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 डिमचिक, तो बहुत तगड़ा लग रहा है मुझे ये इमोट, बहुत ही फनी टाइप का है। बाकी आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये फ्री में मिल रहा है, ये एक्चुअल में इमोट फ्री में मिल रहा है। और उससे आगे बढ़ते हैं हम, तो उसके बाद जो ये इमोट है रॉयल पास वालों के लिए, कमाल का, सीरियसली बोल रहा हूँ, तगड़ा है। एक बार और चलाओ, कैसा लगा, मस्त ना, मतलब बहुत ही तगड़ा इमोट था ये वाला, सीरियसली में जेन्युइनली बहुत तगड़ा था। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी स्टिकर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद मिलेगा हमें एक ड्रेस। ये जो सूट है ये उतना खास नहीं है, इससे पहले भी ऐसा ऐसा आ चुका है ड्रेस, तो इसमें कुछ खास नहीं है हम नहीं बोल सकते, बट हाँ ठीक ठाक है, अच्छा है। ये आपको 30 रुपये पे मिल जाएगा। उससे आगे बढ़ेंगे हम तो एक फ्रेम मिल जाएगा आपको 35 पे, सीज़न 11 का फ्रेम यहाँ पे मिल जाएगा आपको 35 रुपये पे। उससे आगे बढ़ेंगे हम तो पैन का एक स्किन मिल जाएगा हमें, और पैन का स्किन मिलेगा 40 रुपये पे। तो देख सकते हो आप पैन का स्किन है, वो बार बार आ रहा था ये प्लेन वाला, तो पैन का स्किन देख लो, ये जो पैन का स्किन है ये ठीक ठाक है, पैन का स्किन उतना कोई खास नहीं होता है, बट हाँ फ्री में मिल रहा है हमें एक पैरासूट का स्किन, जो अच्छा है क्योंकि ये फ्री में मिल रहा है, तो फ्री में और क्या चाहिए भाई, और क्या लोगे अब पबजी से, बट ठीक है फ्री में दे रहा है वो, इतना लोग पैसा देने के लिए तैयार है तो फ्री में क्यों दे, बट फ्री में दे रहा है वो, ठीक है अच्छा है। बाकी ये भी एक स्टिकर है, तो आगे चलते हैं हम, और फिर आगे बढ़ते हैं तो 50 रुपये पे हमें मिलता है एक प्लेन वाला स्किन, जो मुझे जेन्युइनली नहीं पसंद आया, पता नहीं क्यों, लेकिन वो लाल वाइट कर दिया, पता दी कुछ तो गंदे कलर का कर दिया, मुझे नहीं पसंद आ रहा ये स्किन। बाकी ऑग की स्किन है 50 पे जो फ्री में मिल रही है, वो तगड़ा है, अच्छा है, एक स्काई ब्लू टाइप का ऑग का स्किन है, जो अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली में अच्छा लग रहा है मुझे। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 55 रुपये पे, तो कमाल का इमोट देखने को मिलता है, जो फीमेल का है एक्चुअल में, और इस आगे हमें जैकेट भी मिलेगा और ये पैंट वगैरह भी मिलेगा आगे, हम बताएंगे ये कौन से आरपी पे मिलता है, लेकिन ये इमोट सीरियसली देख लो भाई, ये इमोट तगड़ा है, मतलब कमाल का इमोट है यार, मतलब कुछ नहीं है इस इमोट में, लेकिन फिर भी है ना, जो पीछे से आके वो कमाल का जो कहता है ना, ये हाथ वाथ फैलाता है, वो कमाल का था सीरियसली में। और फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये जैकेट मिल जाता है 60 पे ये ड्रेस मिल जाता है हमें, और इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाता है एक कैप मिलता है हमें, जो मतलब फीमेल का है, वो नथुन्नी वगैरह लगाए हुए है, अच्छा लग रहा है सीरियसली में, अच्छा लग रहा है वो नथुन्नी जो कैप में लगाए हुए है, तो वो ट्रेंड है टिकटॉक वालों का। बाकी वही कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं तगड़े तगड़े। और 70 रुपये में एक बैग मिलता है, जो अच्छा बैग है, एक एनिमेटेड है चिकन वाला, वो चिकन डिनर वाला, तो तगड़ा है। बाकी ये वाला भी स्टिकर अच्छा है, ये तो रॉयल पास का एक थीम ही है, जो आगे हमें मिलेगा पूरा मास्क ही मिलेगा। और 80 रुपये पे पहुँचते तो M416 का, मतलब M416 का स्किन मिलता है, और ये तगड़ा है, मतलब ऐसा पहले भी आ चुका है और मेरे पास भी है, जबकि मैंने रॉयल पास ख़रीदा भी नहीं है, फिर भी मेरे पास है ऐसा स्किन। बाकी ये भी अच्छा है। इससे आगे पढ़ते हैं तो 90 पे हमें मास्क मिल जाता है, वो वाला जो रॉयल पास सीज़न 11 का सबसे तगड़ा वाला मास्क है, वो मिल जाता है हमें, देख सकते हो आप किस तरीके का, वो रेडियम चमक रहा है उसमें, जल रहा है, बत्ती बुझ रहा है। फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा सीधा 100 रुपये पे तगड़ा सामान, मतलब धमाकेदार, मतलब जो जैकेट हमने पहनी हुई है ये मिलेगी हमें 100 पे, कमाल का है क्रिस, बट उतना भी खास नहीं लग रहा है जिस तरीके का पोस्टर में दिख रहा है, तो उतना खास मुझे नहीं लगा ये जैकेट, ये एक आउटफिट। आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है, जैसे मिनी का स्किन, और भी चीज़ों का स्किन, एक बैकपैक है जो बहुत ही क्लासी बैकपैक है, वो सारे चीज़ मैं आगे बताता हूँ आपको। तो आप जब ये करेट खोलते हो तो करेट में आपको बहुत सारा सामान मिल जाता है, जैसे ये ड्रेस जो मिला है, ये ड्रेस एक्चुअल में मुझे अच्छा लग रहा है, इसका नाम है द पम्लर सेट,
शायद यही है, मेरी इंग्लिश ख़राब है पता नहीं क्यों। हाँ तो ये सेट, ये मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअल में, और बैग भी बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है मुझे, और मास्क, सीरियसली मास्क दिख नहीं रहा है लेकिन क्लासी लग रहा है। और एक UAZ का भी एक कार का स्किन मिल जाता है हमें, और Mini 14 का भी स्किन यहाँ पे मिल जाता है जो बहुत तगड़ा है देखने में। बाकी हम नीचे बहुत सारे, और यहाँ पे लक भी डिपेंड करेगा, जैसे दिख रहा है Mini 14 का बहुत अच्छा स्किन है ये, बहुत ही तगड़े से रस्सी वस्सी से बंधा हुआ, तो ये स्किन भी अच्छा है। बाकी जैकेट मिल जाएगी आपको यहाँ पे, दो तीन जैकेट है, दो जैकेट है, दो पैंट है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें आपको इस करेट में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ ये देखना पड़ेगा कि आपका लक कितना अच्छा है, क्योंकि पबजी में लक बहुत मायने रखता है, और करेट में तो बाय गॉड कसम से बहुत लोग कितने यूसी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे यूसी सस्ते यूसी में मिल जाएगा ये करेट आपको, 60 UC में ही मिल जाएगा एक करेट आपको, तो आप खरीद सकते हो, इतना महंगा नहीं है। बाकी 120 वाला यूसी करेट खोलते हो तब भी आपको लोगों को नहीं मिलता है बहुत सारी चीज़ें जो लेने के लिए, मैं देखता हूँ जिस तरीके से लोग यूसी बर्बाद करते हैं, तो प्लीज़ गाइस यूसी वेस्ट मत किया करो यार तुम लोग। हाँ तो अब जिसकी जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो कर लिया करो। हाँ तो इस तरीके का होता है, और भी बहुत सारे है इस तरीके के, बहुत सारे करेट आपको मिल जाएंगे एक एक करके मिशन पूरे करते करते, तो बहुत सारे करेट मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही, यदि वीडियो 1% भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि मैं गेम प्ले अब डालने वाला हूँ और लाइव भी कुछ टाइम के बाद आके खेलूंगा, तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं लाइव के लिए पूरी प्लानिंग